चलिए आज हम बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्राइज़ के लिए सबसे पहले हम 5 आलू ले लिए हैं, उसको हम छील के अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम आलू को कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आलू के चारों तरफ का थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल देंगे ताकि अच्छे से हमारी फ्राइज़ एकदम शेप में बन के तैयार होए। और हम मीडियम साइज का ही कट करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं ना बहुत ज़्यादा पतला, ताकि अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम अच्छी क्रिस्पी होए। अब हम फ्राइज़ को उबाल लेते हैं। उबालने के लिए हम एक टोप में पानी ले लिए हैं और उसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और उसके अंदर हम आलू को डाल के 5 मिनट तक उबाल लेंगे। अब हमारी फ्राइज़ को उबल के 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम छान के निकाल लेते हैं। हम निकाल के कॉटन कपड़े पे फैला के रखेंगे ताकि इसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से सूख जाए। हम कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसे पेपर टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। इसको हम हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि हमारी फ्राइज़ टूटे ना, और कॉर्नफ्लोर डालने से एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है और हमारी फ्राइज़ बहुत अच्छी क्रिस्पी होती है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं। इसे हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन हो जाए, क्योंकि इसे हमें डबल फ्राई करना है। अब हमारी फ्राइज़ हल्की गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल के हम 1 मिनट तक बाहर रखेंगे, उसके बाद हम डबल फ्राई करेंगे। अब हम फ्राइज़ को डबल फ्राई कर लेते हैं। डबल फ्राई करने के लिए मैं गैस की फ्लेम फास्ट रखूँगी और उसको हम 1 मिनट तक ही पकाएंगे। उतने में एकदम अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। हमारी फ्राइज़ रेडी हो चुकी है। अब इसके हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक भुरभुराएंगे। ये हमारी इजी और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनके रेडी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए।